हेलो दोस्तों, नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग हैं मोस्टली एमबीबीएस ही करते हैं या बीडीएस या आयुर्वेद या होम्योपैथी या और भी कोर्स हैं, यही सब करते हैं। बट एक और कोर्स है जिसका नाम है बैचलर इन वेटनरी साइंस। ये एमबीबीएस की तरह 5.5 साल का है कोर्स। इसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं एनिमल्स के। इसमें नीट यूजी के बाद ही एडमिशन होता है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। हरियाणा में इसकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी एडमिशन चल रहे हैं उसका नाम है लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस। हिसार में है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब इतनी बड़ी है कि इसके खुद के ही खेत हैं इसमें। और इसमें ये मान लीजिए 100 से ज़्यादा कोर्स होंगे, एग्रीकल्चर, बीटेक और डेयरी, होम साइंस, बहुत सारे कोर्स हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अंदर ई रिक्शा चलते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। यहाँ की जो फीस है वो है अराउंड 71,000 एक साल की, और इसमें हॉस्टल की भी शामिल है, मैं इसकी अलग है, ठीक है। बीबीएससी करने के बाद जैसे ये वेटनरी सर्जन बन जाते हैं, ऐसा इनको बोला जाता है, तो उसके बाद मोस्टली लोग जैसे ज्वाइन कर लेते हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, लेकिन कुछ लोग आगे पढ़ते हैं, पीएचडी तक करते हैं, तो उसके बाद वो प्रोफेसर बन के वहीं पे ही पढ़ाने लग जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में। इसमें आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, फॉरेन जाने का मौका भी रहता है। और इसके अंदर जो आप बिल्कुल डॉक्टर रहते हैं जैसे एमबीबीएस के टाइप, कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है एनिमल्स में तो उनके लिए ठीक है। बहुत से लोग वहाँ पे कोर्स करते रहते हैं तो नीट की दोबारा भी तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग एमबीबीएस में चले जाते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है तो वहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। ओके ओके बाय।